जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण की मास्टर वीडियो। ठीक है, पर्यावरण की जो मास्टर वीडियो है एनवायरमेंटल की, हमारे काफ़ी उत्तराखंड वन दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पर्यावरण एनवायरमेंटल। ठीक है, जो कि सिलेबस में भी है आपके यूटेट सीटेट ऑल कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। हमने काफ़ी उससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण से, उनसे जो चार पांच क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने उसकी एक मास्टर वीडियो जो इसी वीडियो में से आपके लगभग इसी वीडियो में से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पर्यावरण एनवायरमेंट की मास्टर वीडियो के बारे में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो क्वेश्चनों की, तो राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया। ठीक है, पर्यावरण और जब पर्यावरण मंत्रालय का सृजन किसके टाइम में किया गया, प्रधानमंत्री जब कौन था, राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके कार्यकाल में हमारे पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। तो गठन तो किया गया तो 17 सितंबर 1985 को इसका पर्यावरण मंत्रालय का सृजन किया गया। ठीक है, गठन किया गया, सृजन किया गया 17 सितंबर 1985 को। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण किए, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। कब? 1986 में पारित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं, आगे को बढ़े तो राजीव गांधी ने अपने शासन में, जो अपने शासनकाल में किया था, ठीक है, शुरू किया था, क्या शुरू किया था, गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, जो गंगा एक्शन प्लान GAP गैप, कभी पूछ दिया जाता है कि गैप का फुल फॉर्म क्या है, तो गंगा एक्शन प्लान, ये समूह ग में पूछा गया था। ठीक है, ग्रुप सी में पूछा गया था, उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, GAP का फुल फॉर्म क्या है, तो गंगा एक्शन प्लान है। ये कब से लागू हुआ, 1985 में लागू किया गया। ठीक है, ये भी 1985 में लागू किया गया गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, गंगा के लिए शुरुआती जो कार्य योजना थी 1985 में लागू हुई। ठीक है, गंगा सफाई अभियान तब से चालू है, अब तक हमारी गंगा साफ नहीं हुई है जबकि। ठीक है, तो 1985 से लागू किया गया है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, GAP गैप 1985। इसके बाद नेक्स्ट हो गया इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई। ठीक है, 1972 में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई, तो वन्यजीव अधिनियम, जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 जो इसको, इस परियोजना को प्रारंभ किया गया 1972 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की, जो NGT पारित किया गया 2010 में, NGT पारित किया गया। ठीक है, काफी पूछा जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम NGT जो पारित किया गया 2010 में किया गया। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक पर्यावरण की कोर्ट होती है NGT। ठीक है, इसके बाद प्रथम बार जो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया। ठीक है, प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या जोड़ा गया, पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ठीक है, जो एनवायरमेंट है उसको डेवलपमेंट के साथ कोलैप कर दिया गया, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे कोलैप कर दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। ठीक है, इसके साथ जोड़ा गया। तो एक सार्वभौमिकीय प्रक्रिया होती है, तो एक सार्वभौमिकीय प्रक्रिया क्या होती है, अपक्षय होती है। क्या होती है, अपक्षय होती है। तो इसके नेक्स्ट हो गया, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं वो कहलाते हैं, वो हीलियोफाइट्स कहलाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में, पूर्ण प्रकाश में, जो सूर्य का पूर्ण प्रकाश होता है उसमें अच्छी तरह डेवलप करते हैं और ग्रोथ करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हीलियोफाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया, प्रकाश की कम तीव्रता सबसे अच्छे उगते हैं, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं कौन से, सियोफाइट्स, अच्छे जो अधिक तीव्रता में हीलियोफाइट्स उगते हैं, और जो
कम तीव्रता में प्रकाश के उगते हैं वो होते हैं सियोफाइट्स। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो बात करें, वे जंतु जिनका शरीर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उनका जो रुधिर होता है, जो रक्त होता है, वो तो गर्म होता है और जो अपने शरीर की तापमान को वातावरणीय परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखते हैं क्या कहलाते हैं, होमियोथर्मिक और एंडोथर्मिक। होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक कहलाते हैं, जैसे पक्षी और स्तनधारियों में ये चीज देखा गया है। ठीक है, इनका जो रुधिर होता है काफी गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में ढाल लेते हैं और एक स्थिर बनाए रहते हैं किसी भी वातावरण में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल को ठंडा होने या गर्म होने प्रत्यक्ष सूर्यताप के कारण न होकर निर्भर होता है, तो यह होता है भौमिक विकिरण पर निर्भर होता है। ठीक है, सूर्यताप के कारण निर्भर होकर उसका क्या होता है, भौमिक विकिरण पर निर्भर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम मानव पर्यावरण संबंध, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया, तो पशुपालन ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया। ठीक है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली झूम खेती। ठीक है, झूम कृषि जो है खेती की सबसे सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है झूम खेती। ठीक है, जहां एक जगह आबादी मतलब उसे करके पूरे जंगल का नाश करके आगे को बढ़ गया, ऐसे करके झूम खेती की जाती है। ठीक है, उससे जंगलों को काफी नुकसान होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण कहाँ पे प्रचलित है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में ये झूम खेती अब भी की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट की बात करें हम, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो मनुष्य के लिए जो सर्वाधिक कार्य क्षमता तापमान तथा आर्द्रता होती है, तो कार्य क्षमता मनुष्य की जो किस टेम्परेचर में और आर्द्रता में होती है, तो यह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया और 60% क्या होती है, ह्यूमिडिटी होगी आर्द्रता। ठीक है, ये मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम जो कार्य क्षमता तापमान और आर्द्रता होती है 60% आर्द्रता ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां आई थी, तो औद्योगिक क्रांति का जो जन्म था वो इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहां उद्योग वगैरह लगाए गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ, तो ये हुआ कृषि विकास के विभिन्न चरणों में हुआ, चरणों की अवस्थाओं में। ठीक है, ये हुआ इसका जो सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या हुआ, कृषि विकास के विभिन्न चरणों में इसका विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है, तो फ्रेडरिक जो रेटजेल थे उनको मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को। ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ जो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से क्या हुआ, पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ और निश्चयवाद से। ठीक है, इसका इसके बाद नेक्स्ट हो गया मेघ विजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है, मेघ विजन में ठोस CO2 एवं आयोडीन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें इकोलॉजी शब्द, जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अर्नेस्ट हेकेल ने और 1869 में ये शब्द इन्होंने प्रयोग किया अर्नेस्ट हेकल ने। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का। ठीक है, पारिस्थितिकी के जो इकोलॉजी के जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है, तो इकोलॉजी के जो शब्द के जनक और तो पारिस्थितिकी के जनक ही कौन है, अर्नेस्ट हेकेल हैं। ठीक है, अर्नेस्ट हेकेल हैं पारिस्थितिकी के जनक। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारंपरिक अध्ययन किया जाता है, वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है, वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है किसमें, इकोलॉजी में। रंध्रों को खुलना और बंद होना निर्भर करता है, रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है, किस पर, प्रकाश पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविकीय
है, ठीक है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो क्या है? जैविकीय क्रिया है, ठीक है। इसके बाद विटामिन ए, ए डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्रकाश की भूमिका होती है इसमें, विटामिन और ए और डी तथा कैरोटीन के निर्माण में प्रकाश की भूमिका होती है, प्रकाश की उपस्थिति में ही ये बनते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, आगे को बढ़ते हैं, तो आगे को बढ़े तो अल्पदीप्ति काले पौधे हैं, जो अल्पदीप्ति काले पौधे हैं, तंबाकू और सोयाबीन के जो हैं पौधे होते हैं वो अल्पदीप्ति और काले पौधे होते हैं, ठीक है। छाया प्रिय पौधे पौधे कहे जाते हैं, तो जो छाया प्रिय पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलियोफोबस कहा जाता है। जो छाया प्रिय पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलियोफोबस कहा जाता है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप कौन सा है? 25 डिग्री से 30 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया एंजाइम का विस्त, जो एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है, एंजाइम का विकृतीकरण कितने डिग्री सेंटीग्रेड में होता है? 60 से 70 सेंटीग्रेड में होता है, 60 से 70 सेंटीग्रेड ताप पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया अल्पाइन वृक्ष जो भारत में मिलते हैं वो कहां मिलते हैं? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई में अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया स्थाई बर्फ लाइन की, जो स्थाई बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई क्या है? जो स्थाई बर्फ लाइन है, जो स्नो लाइन है स्थाई परमानेंट, वो कितनी है? 4000 मीटर की ऊंचाई में है, ठीक है, 4000 मीटर की ऊंचाई में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया अंकुरण, जो अंकुरण के लिए बीजों को कम लागत पर रखना कहलाता है बसंतीकरण, ठीक है, क्या कहलाता है? बसंतीकरण। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं, ठीक है, मरुद्भिद पौधों में क्या बदलती हैं? वो पत्तियां क्या बदलती हैं? कांटे में बदल जाती हैं, जैसे नागफनी तो उनके कांटे होते हैं, ठीक है, पत्तियों में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट की बात करें तो आदर्श जो आर्द्रता को मापा जाता है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको क्या हमें मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई, सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है आर्द्रता को, ठीक है। वनस्पतियों से, जो वनस्पतियों के सड़ने से निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस होती है, जब वनस्पतियां सड़ जाती हैं और उससे निकलने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस है। वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है 0.93%, क्या ऑर्गन गैस होती है? 0.93% ऑर्गन गैस होती है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पौधों की पोषक, जो पौधों की पोषक सभी पोषक तत्वों के युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस, क्या है? ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण, जो भारत में अवनालिका क्षरण सर्वाधिक प्रभावित है मालवा के पठार क्षेत्र चंबल घाटी में है, ठीक है, चंबल घाटी में। इसके बाद संसार की, जो संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है, जो सबसे बड़ा संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है चीन में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो क्या, वायु द्वारा उड़कर दूसरे, मतलब दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है, जो वायु के द्वारा उड़ के गई है तो उसे क्या बोलते हैं हम? वातोड़ मृदा कहते हैं, ठीक है, काफी पूछा जाता है, अभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अधोमृद मृदा, अधोमृद मृदा के शस्त्र को कहते हैं शस्त्र बी, क्या बोलते हैं? शस्त्र बी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, मृदा में औसत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, मृदा में औसत कार्बनिक पदार्थ 5% पाया जाता है, कितना? 5% मृदा में औसत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। प्राकृतिक आकीषण है, जो प्राकृतिक आकीषण क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड है प्राकृतिक आसिकन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है, क्लोरोफिल के जो पौधों में हरी पत्तियां होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं, तो उनके निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है, ठीक है, कौन सा तत्व है क्लोरोफिल के लिए आवश्यक तत्व? मैग्नीशियम, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? पोटेशियम है, ठीक है, पोटेशियम है वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व, पोटेशियम, ठीक है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहलाती है? कोश केशिका जल कहलाता है, ठीक है, केशिका जल से।
इसके बाद नेक्स्ट हो गया जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है, जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में, जलधारण क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं मैग्रोव, जो मैग्रोव वन डूबे रहते हैं जल में, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है मैग्रोव वन। ठीक है, जैसे सुंदरवन वगैरह हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पौधों की वृद्धि तथा मृदा के पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है, पीएच जो होता है 6 से 7 के बीच में होता है इसका पीएच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया सर्वाधिक उर्वरता धारण करने वाला मृदा कण है, सर्वाधिक उर्वरता धारण करने वाला मृदा कण मटियार यानी कि किले, किले में सर्वाधिक उर्वरता प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक उर्वरता मृदा मिट्टी में दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी कौन सी सर्वाधिक उर्वरक मृदा होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है ये कौन सी, दोमट और जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसके बाद चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, चूना प्रधान जो पौधे होते हैं उसमें उगने वाले पौधे को कहते हैं कैल्सिकोल्स। ठीक है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है पीट मृदा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको जरूर नोट करिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, श्वसन मूल यानी कि फेनोफोरस जो होते हैं मिलता है, जो श्वसन मूल का के कौन से वनस्पतियों में मिलता है, मैग्रोव वनस्पतियों में श्वसन मूल मिलता है। ठीक है, पूर्ण मूल है तथा स्तंभ परजीवी है क्रमशः ओरबेकी और अमरबेल है। ठीक है, कौन सा, ओरबेकी तथा अमरबेल है। ठीक है, कवक जो कमक होते हैं वो किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, उसका माइकोराइजा, क्या कहलाता है, माइकोराइजा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं, तो कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हाँ। ठीक है, कीटभक्षी पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, यूटिकुलेरिया और नेपेंथिस डायोनिया एवं ड्रोसेरा पौधे हैं कीटभक्षी, ये कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आम के वृक्ष का अर्थतना परजीवी है, जो लोरियंस होता है वो आम के वृक्ष का अर्थतना परजीवी होता है। ठीक है, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है, पारिस्थितिकीय तंत्र होता है। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख चालक बल माना जाता है सहायक विकिरण को। ठीक है, सहायक विकिरण को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आहार जाल यानी कि फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि के साथ पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्थिर वृद्धि होती है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों के तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो प्रथम प्रयोग किया था एजी टेंसले ने किया था पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग। ठीक है, प्रयोग की बात करें तो नेक्स्ट हो गया हमारा श्वसन की क्रिया अपचायक कहलाती है, श्वसन की क्रिया क्या कहलाती है, अपचायक क्रिया कहलाती है। इसके बाद जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले रंग में होता है, प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले रंग में होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 तथा H2O में का जो क्रमशः होता है अपचयन होता है CO2 और जो H2O का होता है ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है परिपोषी गुण पाया जाता है उपभोक्ताओं में। ठीक है, परिपोषी गुण पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद द्वितीय उत्पादक कहते हैं, द्वितीय उत्पादक परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं। ठीक है, परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीडेटर्स कहते हैं उन्हें। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी कहलाते हैं। जो जंतु मतलब दोनों करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया प्राकृतिक, जो प्रकृति का महतर, ठीक है, प्रकृति का महतर कहा जाता है, प्रकृति का जो महतर कहा जाता है वो अपघटक एवं कवकों को कहा जाता है, स्कैवेंजर, ठीक है। इसके बाद जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक, ठीक है, जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक स्थापित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की मात्रा को संज्ञा प्रदान करती है खाली अवस्था में, स्टैंडिंग स्टेट में, ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो श्रृंखला, जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में होता है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब जो होता है वो एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित कर देता है वहां पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तैयार किए गए, हमने इनको निचोड़ बना के तैयार किया गया है, कॉम्बो जो मास्टर क्लास बनाई गई है ये, ठीक है, ज्यादा शेयर कर दें इसको। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई परतों से गुजरता है तो ये खाद्य जाल में, ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊष्मा होती है, ठीक है, ऊष्मा होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है पारिस्थितिक तंत्र क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस और फोर्स जो क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म संज्ञा प्रदान की है, ठीक है, प्रदान की है। तो अब आते हैं हमारे पर्यावरण क्या है, ठीक है, पर्यावरण क्या है, एनवायरमेंट क्या है, तो ये हम आंसर देंगे, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जो कि हमें अन्य व जीवधारियों को प्रभावित करता है वो क्या है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश MP में सर्वाधिक वन है, ठीक है, मध्य प्रदेश MP में सर्वाधिक वन है, ठीक है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल में लेते हैं, बदले में जीवधारियों को सांस के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये एयर प्रदूषण होता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट की बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD परीक्षा के किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पेरोक्सीएसीटाइल नाइट्रेट पेन क्या होता है, तो पेन क्या होता है, एक वायु प्रदूषक होता है, पेन क्या होता है, पेरोक्सीएसीटाइल नाइट्रेट पेन जो होता है वायु प्रदूषक होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन का किरणों के लिए करती है, तो ये कार्बन किरणों से करती है, ठीक है, ओजोन कार्बन किरणों से बचाती है हमें। वायुमंडल में कौन सी गैसें सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो नाइट्रोजन पाई जाती है सर्वाधिक, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, कितने को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
ग्रीन हाउस गैस के जो प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है, तो ग्रीन हाउस के कारण बढ़ जाता है तापमान, ठीक है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का जो तापमान होता है, ठीक है, तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा गया है, तो यूकेलिप्टस जो होता है पर्यावरण का दुश्मन कहा गया है, क्योंकि ये जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको ज्यादा यूज कर लेता है, यूज में लेता है, ज्यादा सूख लेता है अपने आप में अपने ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, लेकिन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे से कारण वापस नहीं जा पाती हैं, तो यही क्या हमारा है ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 15, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो ये जो वन नीति है उसमें उसके अनुसार 33% पर वन होना अनिवार्य है। ग्रीन पीस, ठीक है, ग्रीन पीस क्या है, तो एक पर्यावरण योजना है, एक एनजीओ भी है ये ग्रीन पीस एनजीओ, ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करता है। इसके बाद चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, तो वनों की सुरक्षा था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण की शुरुआत 1980 में की गई, कब की गई 1980 में पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, ठीक है, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय यूएनईपी का नैरोबी में है, केनिया में, ठीक है, नैरोबी केनिया में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन 20 की बात करें, तो फोटोकॉपी जो होती है फोटोकॉपी मशीन किससे कौन सी गैस उत्पादित करती है, ये करती है ओजोन गैस, फोटोकॉपी मशीन ओजोन गैस उत्पादित करती है। इसके बाद बात करें तो विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, तो विश्व वन्य जीव का जो कोष होता है वो पांडा पशु होता है इसके उसमें, ठीक है, पांडा को। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, तो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है एमपी मध्य प्रदेश, टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, तो वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था, के एम मुंशी द्वारा वन महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है, तो वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, तो खजूर है, ठीक है। जो सफोकेशन क्या है, सफोकेशन होता है ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो जीवों का प्रभाव हो रहता है, तो ये क्या कहलाता है, सफोकेशन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जलवायु परिवर्तन में किस गैसों की भूमिका रहती है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका रहती है जलवायु परिवर्तन में, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन नुकसान किसके पहुंचाती है इसको ओजोन को, ठीक है, सीएफसी को क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैसों का संयुक्त रूप है, तो क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन का एक संयुक्त रूप है, ठीक है। इसके बाद भूतल पर जो सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है, तो भूतल पर कहाँ पे होते हैं, कहाँ सीएफसी प्रयोग होती है, तो स्कैन जो डिस्पेंसर होता है उसमें, एसी में होता है, वातानुकूलित रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में होता है, शेविंग क्रीम्स में, और विविध सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं मटेरियल्स उनमें क्या होता है सीएफसी का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आगे को बढ़ते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम परिमाण क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण है ग्लेशियर पिघलने लग गए हैं, ठीक है, तो इसका असर हम देख सकते हैं, ग्लेशियर अपने आप पिघलने लग गए हैं, ठीक है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है, वृक्ष मानव कहा जाता है, वृक्षों का आदमी, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट हो गया सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां स्थित है, लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को, ठीक है, ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है, विलुप्त और संकटग्रस्त जो जीव हैं उनका रेड डाटा बुक का सबसे संबंध है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें, ठीक है, और शेयर जरूर कर दें। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, तो मैक्सिको सिटी जीवी से, ठीक है, मैक्सिको सिटी जीवी से है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किंग के जो किट्स यूएसए में कहां पर स्थित है, तो विस्कॉन्सिन, जो विस्कॉन्सिन है वहां पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर किट्स बच्चों के लिए है, ठीक है, इन्वायरमेंट एजुकेशन की विस्कॉन्सिन सिटी। इसके बाद सीएनजी का फुल फॉर्म है, सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण 65 डेसिबल से माना जाता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जल प्रदूषण को मापने के लिए, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो ये किया जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम जल प्रदूषण मापने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया ताजमहल में पीछे पीले पड़ने का तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल पीला पड़ने लग गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया मानव शरीर, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो ये है बाही मंडल में, ठीक है, बाही मंडल में, बाही वायुमंडल में क्या होते हैं, मानव द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं वहां बाही वायुमंडल में स्थापित होते हैं, ठीक है। देश का जो पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये बंगलोर कर्नाटक में स्थित है पारिस्थितिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। इसके बाद आगे को बढ़ते हैं दोस्तों, आगे को बढ़े तो बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी देहरादून में स्थित है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल एमपी में स्थित है। जो मैनेजमेंट भारतीय वन मैनेजमेंट जो इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है, भोपाल एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद बात करें तो पर्यावरणीय जो कानून हैं और नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण संबंधी कानून कौन कौन से हैं, जल प्रदूषण संबंधी कानून है रिवर बॉर्डर्स एक्ट 1956 में, ठीक है, रिवर बॉर्डर्स एक्ट हो गया 1956 में हमारा। इसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ठीक है, 1974 में। इसके बाद जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, ठीक है, 1986 में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया वायु प्रदूषण संबंधी जो कानून हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, जो फैक्ट्रीज एक्ट बना है 1948 में बना है, ठीक है। इनफ्लेमेबल्स सबस्टार्सेज एक्ट 1952 में बना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना, 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो भूमि, जो भूमि प्रदूषण संबंधी कानून के बारे में बात करें तो भूमि प्रदूषण संबंधी कानून कौन कौन से हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 में, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी कि डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अधिनियम 1951 में है औद्योगिक का, ठीक है। इसके बाद इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में, इंसेक्टिसाइड 1968 में हो गया जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है, ठीक है। अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन, सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 में, ठीक है। वन एवं वन्य जीव संबंधी कानून फॉरेस्टेस कंजर्वेटर कंजर्वेशन एक्ट 1960 में बना, ठीक है। इसके बाद जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, ठीक है, 1980 में लाइफ जो वाइल्ड लाइफ पर जो प्रोटेक्शन होता है वो 1995 में हुआ, और जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 में। नेक्स्ट की बात करें तो पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण जो समझौते हुए हैं, सम्मेलन हुए हैं, उनके बारे में बात, प्रोजेक्ट और जो वर्ष और स्थान जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। तो स्टॉकहोम समझौता, स्टॉकहोम समझौता 1972 में हुआ, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ, लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ, 1975 में, ठीक है। इसके बाद बर्ट लैंड, जो बर्ट लैंड रिपोर्ट आई वो 1987 में, आधारी समझौता हुआ, आधारी समझौता 1989 में हुआ, पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ 1992 में प्रथम बार, 1992 में, ठीक है, काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है ये सवाल। इसके बाद जो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ, वेलाजियो घोषणा पत्र 2002 में हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है ये भी, स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 में हुआ, ठीक है, नई दिल्ली सम्मेलन 2008 में हुआ, नई दिल्ली सम्मेलन 2008 में, ठीक है। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 में हुआ, और वारसा सम्मेलन कोप 19 की बात करें तो 2013 में, और कोप 20 जो लीमा में हुआ था, लीमा में सम्मेलन हुआ था कोप 20 का, वो 2014 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जैव विविधता से संबंधित, जैव विविधता से संबंधित जो हमारे वो है, ठीक है, जैव विविधता से संबंधित हैं, तो जैव विविधता से संबंधित हमारे सम्मेलन की बात करें तो विश्व विरासत संधि 1972, विश्व विरासत संधि 1972, रामसर समझौता 1975 में हुआ था रामसर समझौता, और जो जैव विविधता संधि है, जैव विविधता संधि है 1992 में हुई थी जैव विविधता संधि, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था, सन 2000 में कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद नागोया प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 2010 की बात है, और कॉप 11 कब हुआ था, तो कॉप 11 हुआ था 2012 में, और कॉप 12 हुआ था आप का 2014 में, ठीक है। कॉप क्या होता है, कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत जो वन्यजीव संरक्षण संरक्षण परियोजना है उसके बारे में बात करें तो वन्यजीव संरक्षण परियोजना हंगुल परियोजना 1970 में बनी, कस्तूरी मृग परियोजना 1972 में बनी, बाघ परियोजना 1973 में बनी, ठीक है, बाघ परियोजना 1973 में बनी, गिर जो गिर के सिंह परियोजना 1973 में बनी, और घड़ियाल प्रजनन परियोजना बनी 1975 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट से बात करें तो गेंडा परियोजना 1987 में, हाथी परियोजना 1992 में, और लाल पांडा परियोजना 1996 में, ठीक है, लाल पांडा परियोजना 1996 में, गिद्ध संरक्षण जो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, गिद्ध संरक्षण पर्यावरण जो गिद्ध संरक्षण है उनको 2006 में अधिनियम पारित हुआ, और जो कछुआ संरक्षण परियोजना है वो 2008 में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लास्ट जो टॉपिक है हमारा पर्यावरण दिवस और सप्ताह वर्ष, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं।
ठीक है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस फरवरी माह के 28 तारीख को मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च 2008 को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस वाटर डे मनाया जाता है वर्ल्ड, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व दिवस जो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता विश्व जैव विविधता दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है, तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 नवंबर तक मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता सप्ताह माह जो मनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, 18 नवंबर के बीच में, सॉरी। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का सप्ताह है। ठीक है, वन महोत्सव कब लगता है, जुलाई एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह तक। ठीक है, तो गाइज मास्टर वीडियो कैसी लगी, एक कंप्यूटर की भी मास्टर वीडियो आएगी जिसमें से कंप्यूटर के 600-700 क्वेश्चन होंगे, उनका निचोड़ बनाया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, तो लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।